नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम विगत दो दिनों से स्पोकन सीरीज के अध्याय पढ़ रहे हैं। कल हमने इट का प्रयोग करना सीखा था सब्जेक्ट के तौर पर, उसमें हम कामयाब भी रहे थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम उसको नए नियमों और नए तरीकों के साथ आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमने कल पढ़ा था इट के बारे में सब्जेक्ट के तौर पर, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें केवल एक बेसिक फ़र्क है। जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या था कि इट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि इट इज, इट वॉच, ठीक है ना। कल हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम इट का प्रयोग कर रहे थे सब्जेक्ट के तौर पे। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वो भी वाक्य के प्रथम स्थान पर। वाक्य के प्रथम स्थान पर इट के साथ में मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वो मैन वर्ब कौन सी होगी, किस तरीके से होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इट, और हम इट के साथ में जो मैन वर्ब प्रयोग करेंगे वो है इट टेक्स, इट सीम्स, इट साउंड्स, इट टेस्ट, इट फील्स। ये पांच गोल्डन रूल्स के नियम ऐसे हैं जिनको हम एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। हम पांच मैन वर्ब को एक साथ इट के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप इन पांचों मैन वर्ब को एक साथ प्रयोग करते हैं तो इनका एक ही अर्थ होता है, इनका एक ही अर्थ होता है हिंदी में, और वो अर्थ होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, इनका हिंदी अर्थ होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। पांचों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। वो पांचों कौन से शब्द हैं, इट टेक्स, इट सेम्स, इट साउंड, इट टेस्ट एंड इट फील्स, ओके। इन पांचों का एक ही हिंदी अर्थ होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। कैसे, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगता है, लगते हैं, लगती है आ जाए तो हम वहां पे इन पांचों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सर, जब इन सब का एक ही हिंदी अर्थ है तो इनका प्रयोग अलग अलग कैसे होगा, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ हम इट साउंड्स का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम इट सिम्स का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम इट फील्स का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कहाँ कैसे प्रयोग करोगे, तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सारणी के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कैसे किसका प्रयोग करना है। तो आ जाइए मेरे साथ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इट टेक्स के बारे में, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इट टेक्स का प्रयोग करते हैं समय को दिखाने के लिए, समय को रिवील करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भी आप समय को रिवील करोगे, समय को एक्सपोज करोगे, वहां आप इट टेक्स का प्रयोग करोगे। कैसे करोगे, एग्जांपल देखिए, इट टेक्स 2 आवर टू बाथ, नहाने में 2 घंटे लगते हैं, नहाने में 2 घंटे लगते हैं। तो हमारी क्रिया कौन सी है, नहाना, उसमें कितना वक्त लग रहा है, ये दिखाने के लिए हम इट टेक्स का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं इट सीम्स, इसका प्रयोग करते हैं महसूस करने के लिए, जो हमें दिखता है, जैसा हमें लगता है, जो हमें प्रतीत होता है, जिसके बारे में हम जान पड़ते हैं, ये सारी महसूस करने वाली क्रियाएं जब हमसे महसूस होती है, उन चीजों के लिए हम इट सीम्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स ट्रू, सच लगता है, झूठ लगता है, तो ऐसी क्रियाओं को आप इसके द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आता है इट साउंड्स, इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं आवाज सुनने पर। हमें किसी भी क्रिया की या किसी भी संज्ञा की कोई आवाज सुनाई देती है तो वहां हम इट साउंड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल, इट साउंड्स डेंजरस, खतरनाक लगता है, खतरनाक लगता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए इट टेस्ट, इसका प्रयोग करते हैं किसी भी चीज का स्वाद लेने के ऊपर या उसको चखने के ऊपर। जब भी हम उसका टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम इट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करेंगे, इट टेस्ट डिलीशियस, स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट लगता है। एग्जांपल देख लिया आपने, आगे देखिए, नेक्स्ट है इट फील्स,
इसका प्रयोग हम स्पर्श करने के लिए करते हैं, छूने के लिए करते हैं, हार्डवेयर की तरह इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इट फील्स सॉफ्ट, हमें ये नरम लगता है। कब लगेगा नरम? जब उसे हम छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो वो चीज़ हमको फील होगी। तो आपने समझा एग्जाम्पल के द्वारा, मैंने यहाँ एक सारणी के द्वारा प्रयोग और एग्जाम्पल दोनों चीज़ समझाई कि सबका हिंदी अर्थ एक ही है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। और प्रयोग कैसे होगा वो मैंने आपको पांचों समझा दिए, वो भी एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन अभी मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मुझे कुछ और एग्जाम्पल समझाने होंगे आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह समझाने के लिए। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और रखता हूँ सारणी के द्वारा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इट टेक्स के बारे में। इसके हम कम से कम चार एग्जाम्पल लेंगे, ओके? याद रखिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। इट टेक्स का प्रयोग हम करते हैं समय को रिवील करने के लिए, समय के बारे में, समय को बताने के लिए। एग्जाम्पल, इट टेक्स 10 मिनट्स टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं, ओके? हमने इट टेक्स का प्रयोग किया, समय दिखा रहे हैं। दूसरा, इट टेक्स 2 आवर्स टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। हम कहीं पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जो प्लेस है हमारा, वहाँ हम पहुँच रहे हैं, उसके लिए उसमें हमारे को 2 घंटे लग रहे हैं, तो उसके लिए इट टेक्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से बेटा, इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू गेट रेडी, हमें तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं, 5 सेकेंड लगते हैं, वहाँ भी टाइम लग रहा है, इसलिए हम इट टेक्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से आगे देखिएगा, इट टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने में 5 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। वो का वही आ रहा है यहाँ पे, हम समय को रिवील कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इट टेक्स का प्रयोग किया, ठीक है? इसी तरह से आगे देखिए, इट सीम्स, यानी कि रियलाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए, किसी भी संज्ञा या किसी भी क्रिया को जब महसूस करते हैं तो उसके लिए हम इट सीम्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? इट सीम्स इजी, आसान लगता है। इट सीम्स डिफिकल्ट, थोड़ा कठिन लगता है। इट सीम्स ट्रू, सच लगता है। इट सीम्स स्ट्रेंज, अजीब लगता है। तो आप देख सकते हैं, इन चारों एग्जाम्पल में हमने इट सीम्स का प्रयोग किया, इट के साथ में सीम्स का प्रयोग यानी कि मैन वर्ब के तौर पे किया, क्योंकि हमें महसूस हुआ। जब हम महसूस करते हैं तो इट सीम्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम साउंड का प्रयोग करेंगे। जब हम कुछ सुनते हैं, जब सुनने की आवाज़ आती है तो वह इट साउंड्स का प्रयोग करते हैं। इट साउंड्स इंसल्टिंग, अपमानजनक लगता है। जब हमें कोई अपमानित करता है, इंसल्ट करता है, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मजेदार लगता है, ठीक है? इसी तरह से इट साउंड्स सेम, समान लगता है। इट सीम्स एन ऑनेस्ट, ईमानदार लगता है। जब हमें किसी की ईमानदारी पे बिलीव हो जाए तो हम उसके बारे में बोलते हैं, ये आदमी ईमानदार लगता है। तो ऐसी चीज़ दिखाने के लिए हम इट सीम्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे सामने महसूस होती है और हम उसको साउंड के द्वारा महसूस करते हैं। आगे आता है टेस्ट। हम जब कोई भी चीज़ का टेस्ट करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, तो वहाँ कैसे यूज करेंगे? इट टेस्ट ओफुल, खराब लगता है। इट टेस्ट स्वीट, मीठा लगता है। और टेस्ट करो, इट टेस्ट बीटर, कड़वा लगता है। इट टेस्ट डिफरेंट, अलग लगता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये जो सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं, उनमें हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इट टेस्ट का प्रयोग किया। इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल, इट फील्स, स्पर्श करने पे जो हमें फील होता है, टच करने में हमको जो फील होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। इट फील्स हैवी, भारी लगता है। हमने छुआ ना, तभी तो पता चला कि भारी है या हल्का है। इट फील्स हार्ड, कठोर लगता है। इट फील्स कंफर्टेबल, सुविधाजनक लगता है। इट फील्स स्टिकी, चिपचिपा लगता है। ये सारी क्रियाएं हमारे छूने या स्पर्श होने पे हमें महसूस होती है, तो इसके लिए हमने इट फील्स का हमने यहाँ पे इनका प्रयोग इट फील्स के तौर पे किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जो मैंने गोल्ड रूल्स इट के साथ में मैन वर्ब के तौर पे समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और गोल्ड रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है इट हैपन्स। ये एक नया रूल्स है जो आपके लिए बहुत काम में आएगा। मैं आपको इसे एडिशनली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो मैंने पहले समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें आपको और क्या करना है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, स्कूल में, स्टडी रूम में, जहाँ भी आपको प्लेस मिले वहाँ पे आप इसकी एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो आपके ये जो इट के साथ जो फॉर्मूला है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप एक काम करिएगा, आप मेरे को वेब पोर्टल के ऊपर आप कंप्लेंट के तौर पे आप मेरे को रजिस्टर कर सकते हैं, और या फिर आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उसके बारे में आप मेरे को जानकारी दे सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट हैपन्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि इट हैपन्स का क्या मतलब होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। बात वो की वही है, इट को हम पहले स्थान पर ही प्रयोग करेंगे, बस हैपन्स को हम आगे दिखाएंगे मेन वर्ब के तौर पर। हैपन्स क्या है? हैपन्स का मतलब होता है घटना, घटना। जब कोई कार्य हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, हम जब उसके बारे में बात करते हैं, किसी क्रिया के घटित होने के बारे में बात करते हैं, तो हम इट हैपन्स का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे कि हम इट हैपन्स का प्रयोग अलग अलग फॉर्मेट में सीखेंगे, अलग अलग टेंस के अनुसार सीखेंगे कि कहां इसका अर्थ कैसे होगा। देखिए हर टेंस में इसका अलग अर्थ होगा, प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो रहा है, और आपके पास्ट सिंपल में हुआ, पास्ट कंटिन्यूस में हो रहा था, पास्ट परफेक्ट में हो चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो रहा था, सिंस फोर के साथ में आप टाइमिंग दिखा सकते हो। इसी तरह से सेल विल के साथ में फ्यूचर सिंपल, जैसे होगा, जैसे घटना होगी या घटित होगी, सेल भी विल भी हो रहा होगा, शेल हैव विल हैव तो हो चुका होगा। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है हर टेंस में अलग अलग तरीके से इसका हिंदी अर्थ होगा, और वहाँ आप अलग फॉर्मेट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने 9-10 एग्जांपल रखे हैं, और वो भी हिंदी के साथ में। तो जब आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जब इट के साथ हैपन्स का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। चलिए मेरे साथ, इट हैपन्स प्रेजेंट सिंपल, ऐसा होता है। It happened, past simple, ऐसा हुआ। It will happen, ऐसा होगा, future simple। It is happening, ऐसा हो रहा है, present continuous। It was happening, ऐसा हो रहा था, past continuous। It has happened, ऐसा हुआ है, present perfect। It had happened, ऐसा हुआ था, past perfect। It has happening, ऐसा होता आया है, ऐसा होता आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, मॉडल के अनुसार कैन का प्रयोग। इट कुड हैव हैपन, ऐसा हो सकता था, कहने का मतलब कैन का, कैन तो प्रेजेंट है और कैन का पास्ट होता है कुड, तो हमने कुड को पास्ट के तौर पे यूज किया। तो हमने यहां पे आपके सामने मॉडल के तौर पे, टेंस के तौर पे इट हैपन्स का प्रयोग किया और उसका प्रयोग का मेथड आपको समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इट का प्रयोग आप मल्टी यूज के साथ करना सीखे होंगे। आज आपने इट का प्रयोग मेन वर्ब के साथ करना सीखा, और आपने कल हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसका प्रयोग सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का जो चैप्टर है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत